बाय। एक बार हमने जीएन के क्रॉस कर दिया ना, उसके बाद हम स्पीड पकड़ सकते हैं। देखो ये हमारा ना नेशनल हाईवे है और इसकी हालत देखो। तो गाइज ये है जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो पंजाब से जम्मू को जोड़ता है। तो हम बस गूगल मैप के भरोसे चलते जा रहे हैं। अभी पहले हम जम्मू कश्मीर में थे, फिर हम पंजाब गए, पंजाब से आए अभी अम्बाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग शाय व्लॉग्स। तो आज हमारा उधमपुर टू पुणे का डे टू, और अभी हम पहुंचे हैं पानीपत में, और यहाँ पे हमने कल स्टॉप लिया था और यहीं पे हम रहे थे होटल में। और ये देखो हमारा छोटा बेबी, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये भी उठ गया है बहुत जल्दी जल्दी। अब बस निकलना है हमें। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:30 और यहाँ से हम निकल जाएंगे अभी। तो अभी मिलते हैं आपको डायरेक्ट कार में। तो गाइस वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी थी पूरी रात, और एक ना चार दीवारी है तो अंदर सेफ थी, वहाँ पे गेट भी है, तो प्रॉपरली हमारी गाड़ी पार्क थी। अब चलते हैं। तो गाइस 45 मिनट्स तक ना हमसे घूम रहे थे शिवाय के दूध को गर्म करवाने के लिए। मतलब दो तीन जगह पूछा भाई, वो ना बोल रहे थे। फिर लास्ट में जाके एक जगह हो गया, उसको मैंने बोला पैसे ले लेना भाई, हर जगह मैंने ये बोला पैसे ले लेना, बट उनके पास रीजंस थे। तो फाइनली हमें मिल गया उसका दूध। तो अब मेरे को टेंशन नहीं है शाम तक, अब हम थोड़ी स्पीड में चला सकते हैं, वो चाहे भूखे रह ले, है ना, भूखे रह लेगा ना। तो अब चलते हैं, फिर जाके स्टॉप लेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। लेकिन अभी सिर्फ 7:20 हो रहे हैं, 6:30 निकले थे हम। तो अभी हम हाईवे पे आ गए हैं। तो अमन ना शिवाय का जो गर्म दूध था उसको ठंडा कर रहा है एसी की हवा से। अब हम आ गए हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे पे, और यहाँ से 115 किलोमीटर दिखा रहा है कि स्ट्रेट है, तो यहाँ पे हम काफ़ी स्पीड पकड़ सकते हैं। देखो कितना चौड़ा है यार ये। तो अमन क्या अच्छा लग रहा है, एक्सप्रेस हाईवे या नॉर्मल हाईवे अच्छा होता है? नॉर्मल हाईवे से तो ज़्यादा अच्छा होता है यार। पता क्या, हम ढूंढ रहे हैं कि कुछ खाने को मिले, और ये ऐसा रोड है मतलब कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। पीछे सन भी पूछ रही बार बार टाइम क्या हुआ, टाइम क्या, भूख लगी है। 2000 years later तो शिवाय ना 7:15 बजे सोया था दूध पी के, और अब तक सो रहा है वो। और अब यहाँ से हमें लेफ्ट की साइड लेना है और दूसरा हाईवे लेना है। ऐसा रोड देख के ना ऐसा लग रहा है कि हम किसी और ही कंट्री में आ गए, बस सही लग रहा है ना। गाइस एक हाईवे छोड़ा और अब दूसरे हाईवे पे आ गए, मुंबई हाईवे पे। और ये देखो कितनी लेन्स है यहाँ पे, और 210 किलोमीटर तक ये हाईवे चलने वाला है। अब बन भी रहेगी भूखी। एक्सप्रेस हाईवे यार सही। अब भूखे रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। शुक्र करो चिप्स लाया था मैं सुबह, चिप्स तो खा लिए हैं, बट अब देखते हैं। ये देखो हमारा शिवाय भी उड़ गया फाइनली, हमारा कद्दूराम उड़ गया। हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइज ये अर्टिगा वाला ना, ये बंदा रॉन्ग साइड जा रहा है अभी, वो भी एक्सप्रेस हाईवे पे, कितना रिस्की काम है यार। तो गाइज मुंबई है यहाँ से 1204 किलोमीटर। तो गाइज यहाँ पे मैकडी है, वहाँ पे चल के हम अपना ब्रेकफास्ट और लंच कर लेते हैं क्योंकि 11 बज चुके हैं अभी। और शिवाय यहाँ पे शांत होके बैठा क्योंकि उसे एक छोटा बेबी दिख गया इधर आगे बैठा हुआ है, उसी को देखता है। ये शिवाय से भी बड़ा बिल देखना, इतना बड़ा बिल शिवाय से भी बड़ा। कहाँ गया बेबी, कहाँ गया? यहाँ पे ना बाकी बेबी भी हैं, सारे शांत बैठे हैं, और ये हमारा है ना राक्षस रूपी बच्चा, कसम से इतना शोर मचाता है ना। तो गाइस ये आ गया हमारा मील, और शिवाय को ना हम सिर्फ यहाँ से हाफ बॉयल एग खिला रहे हैं। मुझे पता है डांट पड़ेगी घर वालों से, लेकिन ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, और कुछ मिलता नहीं है उसके लिए। तो गाइस मैकडी में भी खा ली हमने, तो चलते हैं आगे। तो गाइस ये हरियाणा का लास्ट पेट्रोल पंप, और राजस्थान से 10 रुपये सस्ता पेट्रोल है। तो गाइज हमने वो वाला हाईवे छोड़ दिया अभी, अब आए हैं दूसरे हाईवे पे, नया हाईवे था शायद वो, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उसका। हमने ना हाईवे छोड़ के साइड पे आए हैं क्योंकि इसका दूध लेना था। यहाँ पे दूध तो मिल गया गर्म करके, और लस्सी लेकिन मीठी है, नमकीन नहीं है,
पे यही पी रही है सिर्फ, मैं और अमन ऐसे ही। हम तो गाइस शिवाय पी रहा है दूध और हम पी रहे हैं एनर्जी ड्रिंक। तो अभी भी हम राजस्थान में ही हैं। ये देखो वही रोड, क्या दिखाऊँ आपको, सेम रोड है और बस क्रूज कंट्रोल लगाया है एज यूजुअल और चल रहे हैं। अब कोई टेंशन नहीं, जितना मर्जी बड़ा हाईवे हो, क्योंकि अब हमारे पास शिवाय के लिए दूध हमने अरेंजमेंट कर लिया सारा। तो गाइस अभी मैं फ्रूट लेके आया हूँ ना, अभी एक अमेजिंग चीज़ पता क्या है, ये केले कैसे हिसाब से दिए उन्होंने पता है, केले दिए 40 रुपये किलो, मतलब उसने वेट किया। हमारे वहाँ पे ना दर्जन के हिसाब से होते हैं, यहाँ पे किलो के हिसाब से। देखो क्या क्या लाया हूँ, केला, चीकू, ग्रेप्स और खरबूजा। तो अगर रोड देखोगे ना तो ऐसा है कि सुनसान टाइप है थोड़ा थोड़ा। देखो तो गाइस हाईवे पे अभी रुके हैं दाल बाटी खाने के लिए, फाइनली हमें मिल गई दाल बाटी, और रेडी होने के लिए वो बोल रहे हैं आधा घंटा लगेगा। और ये देखो शिवाय बैठा हुआ है, हेलो कैसे हो। तो दाल बाटी ट्राई करेगी, ये भी फर्स्ट टाइम करेगी, ये भी फर्स्ट टाइम करेगा, ये बोलता है मैंने खाना नहीं है। क्या छोटा सा ढाबा है लेकिन अवेलेबल है, पीछे हमें काफ़ी जगह पर रुके वहाँ मिला ही नहीं हमें, और राजस्थान आए और दाल बाटी नहीं खाई, फायदा क्या है, 4-5 दिन में भूल जाना इसे। नहीं यार क्यों बोलेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा दादी को, क्यों बोलना दादा दादी को, नहीं बोलेगा। गाइस ये आ गई मेरी दाल बाटी, और ये पता क्या पूछ रही है, बोले ये खाने के लिए रुकी हम, दाल बाटी यही होती है, खाया कभी, खा के देख अच्छा होता है। गर्म बैठा है इसके लिए आरी चाहिए होती है, दो हथौड़े। अब इसको ना छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें दाल डाल। ऐसा नहीं खाना नहीं आ रहा है। टेस्ट है यार, मेरे को तो लग रहा है। तो यहाँ रुके थे हम दाल बाटी खाने, मुझे तो पसंद आई लेकिन इसको ज़्यादा पसंद नहीं आया एनवी को, और इसने खाई नहीं, कहता मैंने हॉस्टल टाइम पे बहुत खाई है मुझे पसंद नहीं। दाल बाटी छोड़ के चिप्स के पैकेट खा रहा है देखो, और सुबह से सिर्फ इसने मैगडी खाया और कुछ नहीं। जम्मू से निकले थे ना तब से कोई टनल नहीं आया था, ये पहला टनल आया। शिवाय रात हो गई, कैसे देख रहे हैं। तो अभी भी हम हाईवे पे हैं एज यूजुअल, और यहाँ देखो शरारतियाँ, पूरा प्लास्टिक निकाल के देखो क्या देख रहे हैं, चाचू को देख रहा है, कोई डांटेगा मेरे को हैं? शिवाय क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो ये देख रहा है, रोकना मत प्लीज यार, मेरे को रोकना मत यार, करने दो ना। ओए ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं, ये कहीं से भी रॉन्ग साइड से दिखाते हैं। और ये कोटा शहर दिख रहा होगा आपको गाइस, अभी हम पहुंचे हैं कोटा, सबको कोटा पता ही है, कोटा फैक्ट्री सबने देखा होगा शो। और ये देखो ब्रिज, गाइस अभी हम ऐसी जगह पे आए हैं जो है टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ये जंगल है दोनों साइड देखो, और यहाँ पे ना मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 30, और भगवान करे हमें टाइगर दिख जाए फ्री में। फ्री में इस जगह का नाम है मुकुंद्रा हिल्स। तभी हम पहुंच गए रतलाम, अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे होटल और यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। तो गाइज ये हम आज का हमारा होटल जहाँ हम रुकने वाले हैं, महासागर होटल एंड रेस्टोरेंट। गाइज ये आज का डिनर है तवा रोटी, बिरयानी और पनीर। ये कोई पंगे करने के लिए बैठा हुआ है। तो गाइस आज हम चले 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर चलने के बाद ये कुछ हमारा रूम है, सिंपल सा रूम है, बाथरूम अच्छा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, और अभी एक और बेड लगाने वाले हैं, और हम यहाँ पे आज रेस्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपको कल। तो ये जो जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग थी आज की, तो इस वीडियो में यही टाइम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।